Over to you. कोशिका है। कोशिका संरचना आकार और आकार में भिन्न होती है। कोशिका का इतिहास 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक टुकड़ा देखा और इसे छोटे डिब्बों से बनाया गया था जिसे उन्होंने कोशिका कहा था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम निकाला। एंटो वॉन लियो वेन होके ने कोशिकाओं को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। कोशिका का सिद्धांत मैथियस स्लीडेन और थियोडोर श्वान 1939 ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया जिसे बाद में रूडोल्फ विर्चो 1855 द्वारा संशोधित किया गया था। पहला सभी जीवित जीव कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में अंतर। एक कोशिकीय जीव एक ऐसा जीव है जो एकल कोशिका से युक्त है और बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिका वाले जीवों को बहुकोशिकीय जीव के रूप में जाना जाता है। एक कोशिकीय जीव वे आम तौर पर सूक्ष्म होते हैं और उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है और बहुकोशिकीय जीव अधिकांश बहुकोशिकीय जीव नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना और स्ट्रेप्टोकोकस कीचड़ के सांचे, विरूमी क्रोबिया, ब्रेवर की खमीर, फाइटो प्लैंकटन ईकोली। और बहुकोशिकीय के उदाहरण है माइक्रोस्कोपिक बहुकोशिकीय जीव, धूल के कण, क्रिल और रोटिफर। बीच में बहुकोशिकीय जीव मकड़ियों, केचुआ, एंस, झींगा, बड़े और कोशिकीय जीव वेल, हाथी, बाघ इत्यादि हैं। कोशिका के प्रकार नाभिक द्वारा। जब जीवों के दो अलग अलग समूहों के बीच अंतर होता है तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच के अंतर को समझना। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार 0.1 से लेके 5.0 μm है और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार है 5 से लेकर 100 तक μm है। प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका की दीवार यदि मौजूद है तो म्यू को पेप्टाइड या म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडियोग्लाइकन शामिल है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। सेल की दीवार यदि मौजूद है तो सेलुलोज पेप्टिडियोग्लाइकन शामिल है। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक वरिष्ठ नाभिक अनुभव है। यूकैरियोटिक कोशिका परमाणु आवरण क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्लाज्म परमाणु मैट्रिक्स और उपकेंद्रक से बना एक विशिष्ट नाभिक। प्रोकैरियोटिक डीएनए की मात्रा कम है। यूकैरियोटिक डीएनए नाभिक माइक्रोकॉन्ड्रिया और प्लासिड के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका डीएनए आमतौर पर गोलाकार होता है। यूकैरियोटिक कोशिका डीएनए सामान्यतः रेखिक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं डीएनए नग्न या हिस्टोन प्रोटीन के साथ किसी भी सहयोग के बिना है।
यूकेरियोटिक कोशिकाएं डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मिड हो सकता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मिड दुर्लभ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में इंसुलिन हो सकता है, जिसे मेसोजोम कहा जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मेसोजोम अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मेट्रोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है, और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मेट्रोकॉन्ड्रिया अक्सर मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S है, और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80S होते हैं, जो कोशिका द्रव्य में होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य में अंतर्द्रव्यीय जालिका नहीं होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर्द्रव्यीय जालिका आमतौर पर मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं गॉल्गी तंत्र अनुपस्थित है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में गॉल्गी तंत्र उपस्थित है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम, स्पेरोसोम और ग्लाइकोसोम अनुपस्थित है, और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम और स्पेरोसोम और ग्लाइकोसोम मौजूद है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स दुर्लभ है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाएं और माइक्रोफिलामेंट आमतौर पर अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में योजन प्रजनन अनुपस्थित है, और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यौन प्रजनन आमतौर पर मौजूद है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाएं और माइक्रोफिलामेंट्स दुर्लभ हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाएं और माइक्रोफिलामेंट्स अनुपस्थित हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में प्रतिलेखन होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रतिलेखन नाभिक के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र गोलाकार होता है, और एक बिंदु पर कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रत्येक गुणसूत्र अपने दो सिरों के साथ रैखिक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन अंतराप्रावस्था और एम चरण का भेद नहीं दिखाता। यूकेरियोटिक कोशिका चक्र के दौरान अंतराप्रावस्था और समसूत्रण संबंधी चरण का एक अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस अनुपस्थित है। यूकेरियोटिक कोशिका में वे यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइक्लोसिस अनुपस्थित है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मौजूद है। प्रोकैरियोटिक कोशिका भी का में कोशिका भी छोटे हैं। यूकेरियोटिक में कोशिका भी लंबे हैं। एक फ्लैगेलम अक्ष तंतु और कोश का भेद दर्शाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसमें पीली और विभीषिका हो सकती है। पीली और विभीषिका हो सकती है। यूकेरियोटिक में पीली और फ्रिम्ब्रिया सॉरी फ्रिम्ब्रिया पीली और फ्रिम्ब्रिया अनुपस्थित है। प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र में एकल दोगुना सेंट्रिडेड गोलाकार डीएनए अणु होता है, और यह हिस्टोन के साथ संबंध नहीं है। यूकेरियोटिक में प्रत्येक गुणसूत्र में हिस्टोन के साथ जटिल एक रैखिक दोगुना स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। याद रखने योग्य बिंदु मेजो
कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तरह एक सुव्यवस्थित नाभिक होता है, लेकिन इसका नाभिक प्रोकैरियोट्स की तरह मिटोसिस से विभाजित होता है, इसलिए कोशिकाओं को मेसोकैरियोट्स कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जिसका आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडाणु है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। किंगडम द्वारा कोशिका के प्रकार। पादप कोशिका, पशु कोशिका। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका की दीवार बाहरी से कोशिका तक मौजूद होती है। पशु कोशिकाओं में कोई कोशिका भित्ति बाहरतम संरचना कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली नहीं है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं आमतौर पर बड़ी होती हैं। पशु कोशिकाओं में आमतौर पर रिक्तिका चाप अनुपस्थित और यदि मौजूद है तो आमतौर पर छोटे होते हैं। पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। पशु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड उपस्थित होता है और पशु कोशिकाओं में प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं में गॉल्जी निकाय, जो कि इकाइयोजोम के रूप में जानी जाने वाली इकाइयों के रूप में मौजूद है, और पशु कोशिकाओं में गॉल्जी के शरीर में अच्छी तरह से दो सिस्टर्न होते हुए विकसित होते हैं हुए पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है और पशु कोशिकाओं में सेंट्रियोल उपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में राइबोसोम 80S मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, और पशु कोशिकाओं में राइबोसोम 70S होता है। एक कोशिका के घटक। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, यह प्रोटीन और लिपिड से बना है। द्रव मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन 1972 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्लाज्मा झिल्ली पूरे कोशिका तृप्त को घेर लेती है। तंत्र। प्लाज्मा झिल्ली पूरी कोशिका तंत्र को घेर लेती है। यह कोशिका आकार पशु की कोशिकाओं में प्रदान करता है। उदाहरण, मानव लाल रक्त कोशिकाओं, हड्डी कोशिकाओं और तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता आकृति। यह चयनात्मक पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर ले जाने की अनुमति देता है, लेकिन सभी पदार्थों को नहीं। यही कारण है कि इसे चयन पराग्मय के रूप में जाना जाता है। द्रव्य मोजेक मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का वर्णक घटकों के मोजेक के रूप में करता है। फॉस्फोलिपिड प्रोटीन को, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर, जो झिल्ली को एक द्रव्य गुण देता है। अणुओं का परिवहन। छोटे अणुओं का प्लाज्मा झिल्ली में निम्नलिखित तीन तरीकों में से किसी एक द्वारा पहुंचाया जा सकता है। पहला, प्रसार। पदार्थों के अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में, कम सांद्रता वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। पदार्थों के अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। प्रसार के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण, एक कोशिका में ग्लूकोज का अवशोषण। दूसरा, प्रसरण।
यह उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में पानी के अणुओं के आवागमन की प्रक्रिया है जो एक झिल्ली के माध्यम से उनकी कम सांद्रता के क्षेत्र में होती है। तीसरा, सक्रिय परिवहन। जब किसी निश्चित अणु के संचलन की दिशा होती है के उच्च एकाग्रता के क्षेत्र में के लिए उनकी कम सांद्रता के क्षेत्र से इसके लिए कोशिका द्वारा सक्रिय प्रयास की आवश्यकता होती है जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट द्वारा प्रदान की जाती है। सक्रिय परिवहन एक वाहक अणु के माध्यम से हो सकता है, उदाहरण Na प्लस यानी कि सोडियम प्लस प्लस के प्लस पोटेशियम प्लस पंप, सोडियम बाय पोटेशियम पंप। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एक कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। पौधों में कोशिका भित्ति से बना कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका के आंतरिक भागों की रक्षा करती है। दीवार कठोर होती है जो कोशिका के आकार की होती है और कोशिका के विरूपण की अनुमति नहीं देती है। इस प्रकार कोशिका की उग्रता और की ओर अग्रसर होती है जो निम्नलिखित तरीकों से उपयोगी है। पहला है, यह स्वतंत्र रूप से पानी और अन्य रसायनों की कोशिकाओं में और बाहर जाने की अनुमति देता है। दूसरा है, आसन्न कोशिकाओं की प्राथमिक दीवार में विराम होते हैं जिसके माध्यम से एक कोशिका का कोशिका द्रव्य जो दूसरे के साथ जुड़ा होता है। वे साइटोप्लाज्मिक किस्में जो एक कोशिका को दूसरे से जोड़ती है, को प्लाज्मोडेमाटा कहा जाता है। अंतः प्रद्रव्यी जलिका पहला है 1954 में किथ आर पोटर द्वारा खोजा गया। किथ आर पोटर द्वारा खोजा गया। यह दूसरा है, यह मानव आरबीसी ब्लू ग्रीन शैवाल बैक्टीरिया में अनुपस्थित है। तीसरा है, अंतः प्रद्रव्यी जलिका प्रोटीन के उत्पादन और भंडार में मदद करता है। तीसरा है, वे राइबोसोम के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है खुरदरी ईआर और दूसरा है चिकनी ईआर। पहला खुरदरी ईआर अंतः प्रद्रव्यी जलिका राइबोसोम इसकी सतह पर मौजूद होते हैं। यह प्रोटीन असेंबली में शामिल होता है जहां यह महत्वपूर्ण प्रोटीनों का संश्लेषण और पैकेज करता है। चिकनी ईआर अंतः प्रद्रव्यी जलिका जब कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होता है और इसका कार्य लिपिड और स्टेरॉइड और कार्बोहाइड्रेट के भंडारण को संश्लेषित करना है। राइबोसोम एक कोशिका के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और खुरदरी अंतः प्रद्रव्यी जलिका की सतह पर भी। दूसरा है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना का नामकरण अंग प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। यह महत्वपूर्ण एमिनो अम्ल एकत्रित करता है और फिर कोशिका की जरूरत के आधार पर प्रोटीन श्रृंखला बनाता है। तीसरा है, वे आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। गोल्जी उपकरण 1898 में कैमिलो गोल्जी द्वारा खोजा गया। दूसरा, एक पशु कोशिका में 3 से 7 गोल्जी शरीर का अंग मौजूद होता है, नीला शैवाल में मौजूद नहीं है। तीसरा, पौधों में गोल्जी उपकरण के रूप में जाना जाता है, गाय। चौथा, इनमें से कई ऑर्गेनल प्लांट सेल में मौजूद है।
पांचवा पशु कोशिका में गॉल्जी तंत्र नाभिक के पास मौजूद होता है। ओके छठा, पादप शैल में वे सेल के चारों ओर मौजूद होते हैं। गॉल्जी उपकरण के कार्य, इसका कार्य प्रोटीन और लिपिड को संचित और परिवहन करना है, जैसे संश्लेषित किया गया है, जिसे संश्लेषित किया गया है। दूसरा, यह संश्लेषण और महत्वपूर्ण अणुओं के स्त्राव के साथ भी मदद करता है। तीसरा, प्रोटीन संश्लेषण जैसे दीवार तत्व को संश्लेषित करने में मदद करता है। चौथा, इन प्रोटीनों को एक अस्थायी रिक्तिका में संग्रहित किया जाता है, जिसे लिपोचोंड्रिया के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम कोशिका का आत्मघाती बैग। 1955 में क्रिश्चियन डी ड्यू वे द्वारा खोजा गया। दूसरा, लाइसोसोम केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाने वाला संरचना की तरह थैली होता है। वे एक विशेष पुटिका है जिन्हें गॉल्जी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तीसरा, इनमें प्रोटीन फॉस्फेट्स, ग्लाइकोसिडेज और सल्फेट्स जैसे विभिन्न पाचक एंजाइम होते हैं। तीसरा, लाइसोसोम्स न्यूक्लिक अम्ल पॉली सेकेरॉइड वसा और प्रोटीन को पचाते हैं। पांचवा, लाइसोसोम का मुख्य कार्य अंतर कोशिकीय पाचन है। छठा, जैसे कार्य भोजन पचाना, मरने वाली कोशिका का टूटना, यह अवांछित पदार्थों का पाचन। सातवा है ऑटोलिसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से लाइसोसोम खुद को मार सकते हैं। आठवां है, ऐसा तब होता है जब वे अपने स्वयं के एंजाइमों के साथ खुद को घायल करते हैं और वे फट जाते हैं। प्लास्टिड, पहला है शब्द प्लास्टिड पहली बार 1866 में अंसर्ट हैकेल द्वारा गढ़ा गया था। दूसरा है, पशु ब्लू ग्रीन शैवाल और बैक्टीरिया में प्लाज्मिड अनुपस्थित है। उनके रंग के आधार पर तीन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोसाइट, पहला ल्यूकोसाइट सफेद या रंगहीन, उदाहरण के लिए गाजर के उपवाद के साथ जड़े। दूसरा है, क्रोमो हेलो, प्लास्टिड गुड इवनिंग। नीला, लाल, गुलाबी, नारंगी, पीला, उदाहरण के लिए फूलों की पंखुड़ियां। तीसरा है, क्लोरोप्लास्ट हरा रंग, कोशिका नहीं, सॉरी, इंग्लिश द्रव्य, का मैं यह नहीं पढ़ा है, कोशिका के अंदर इंग्लिश तो मौजूद इसलिए मैंने होता कहीं भी है। नहीं बोला। यह इंग्लिश केवल पढ़ने एक में कोशिका कामयाब नहीं के हुए कोशिका मैं। झिल्ली के हम भीतर जितनी मौजूद इंग्लिश करें होता तो उसे है। 14 मार्क्स का आता है, तीसरा, पढ़ने यह में एक कर रहा हूँ कोशिका तो के इंग्लिश तो नाभिक आता में ही है, मौजूद तो नहीं फिर है। बात चौथा, करें तो इंग्लिश सारी इसमें मेरे पास मुख्य उपलब्ध रूप नहीं से है। पानी, बल्कि एंजाइम, लवण, ऑर्गेनल और विभिन्न ठीक है, मैं मंगवा लाता कार्बनिक हूँ, फिर अणु भेज दूंगा शामिल आपको। हैं। ठीक है, जीके जी ऐसा कुछ चाहिए तो आप भेज पांचवा, दीजिएगा, वो उसमें ₹99 में आपको मिल जाएगा। न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, प्लास्टिड, लाइसोसोम्स और अन्य प्रद्वयी जीके जी जलिका ऐसा आप कर जैसे दीजिए, सभी सिर्फ कोशिका कोशिका करंट के अफेयर्स अंग का यहाँ जो मैं ऐसा मौजूद कुछ हैं। बता कोई साथ नहीं याद है। रखने योग्य बिंदु, ब्लू ऊर्जा उत्पन्न ब्लू करने वाले ऑर्गेनल को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका के अंदर मॉर्निंग और में आप बाहर करवा लो, देखिए महत्वपूर्ण क्योंकि फिर अणुओं के व्यायाम होगा। हाँ, संश्लेषण, 2 घंटे डेढ़ घंटे स्राव में या करवा दूंगा परिवहन इसमें, में कोई शामिल बात नहीं, होने कोई वाले बात नहीं। संगठन अंतःप्रद्वयी जलिका और गॉल्जी तंत्र हैं। तीसरा, ऑर्गेनल जो गतिशील हैं, तुरंत 5 मिनट में जो 500 कंप्लीट स्थानांतरित करूंगा। हो सकते हैं, पक्षम और कशाभिका। नहीं, उसी की माइटोकॉन्ड्रिया, बात करेंगे, पहला आप कर लीजिएगा, उपनाव उसका भी हम कोशिका टेस्ट का करेंगे, पावर बाकी मैं हाउस। टेस्टिंग हम पूरा जिम्मेदार ले दूसरा, वे लूंगा। पौधों की कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं दोनों में मौजूद हैं। तीसरा, जानवरों और पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा जनरेटर और विमोचक है। चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया एक वचन पाठ करेंगे, लेकिन उसकी माइट्रो हम
कॉन्ड्रियन प्रकाश माइक्रोस्कोप के तहत संरचनाओं की तरह छोटे धागे के रूप में दिखाई देती है। पांचवा आकार में लगभग 0.5 से 1.00 माइक्रोन माइक्रोमीटर है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, पहला, दीवार एक दोहरी झिल्ली से बनी है, लेकिन इसे पांच अलग अलग खंड में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, बाहरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। तीसरा, अंतर झिल्ली अंतरिक्ष बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच का स्थान है। चौथा, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। पांचवा, क्राइस्ट स्पेस आंतरिक झिल्ली के अंदर द्वारा गठित मैट्रिक्स आंतरिक झिल्ली के भीतर का स्थान। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, पहला, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्लूकोज को एटीपी में बदल देता है। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस साइट्रिक एसिड चक्र और एटीपी संश्लेषण कोशमय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया पाइरूवेट को अपने मैट्रिक्स में पाइरूविक एसिड बनाता है ताकि एटीपी के रूप में संग्रहित ऊर्जा को कैप्चर किया जा सके। तीसरा, यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चौथा, ये एटीपी तब एक सेल में जीवों द्वारा उनके कामकाज के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए पच जाता है। पांचवा, एटीपी पाचन एंजाइम। न्यूक्लियोप्लाज्म नाभिक के भीतर पाया जाने वाला तरल। पहला, जैसे कोशिका द्रव्य के भीतर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म परमाणु झिल्ली के भीतर पाया जाता है। दूसरा, यह डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोली जैसे नाभिक के सभी घटकों का समर्थन करता है और उन्हें घेरता है। केंद्रक, पहला, 1831 में एक कोशिका के नाभिक की खोज के लिए रॉबर्ट ब्राउन जिम्मेदार थे। दूसरा, यह आकार में गहराई से गोलाकार होता है। WBC ने नाभिकों की पैरवी की है। तीसरा, अधिकतर प्रत्येक कोशिका में केवल एक ही मौजूद होता है। चौथा, डबल स्तरित परमाणु झिल्ली जिसमें फाइन न्यूक्लियर पोर्स होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को घेर लेते हैं, जिसमें वर्णक्षक नेटवर्क और एक केंद्रक होता है। नाभिक के घटक, एक डबल स्तरित झिल्ली जिसे परमाणु लिफाफा कहा जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में परमाणु छिद्र होते हैं। दूसरा, यह झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली की तरह, और बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम जुड़ा होता है जो बाहरी झिल्ली को खुरदरा बना देता है। तीसरा, छिद्र नाभिक के अंदर और बाहर बड़े अणुओं के परिवहन की अनुमति देते हैं और झिल्ली कोशिका के बाकी हिस्सों के साथ वंशानुगत सामग्री को संपर्क में रखते हैं। वर्णक्षक, पहला, परमाणु झिल्ली के भीतर जेली जैसे पदार्थ होते हैं जिन्हें कैरोलिम या न्यूक्लियोप्लाज्म से भरपूर माना जाता है। दूसरा, यह हिस्टोन और न्यूक्लिक अम्ल से बना है। तीसरा, तंतुमय संरचना एक नेटवर्क बनाती है जिसे वर्णक्षक रेशे कहा जाता है, जो कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों नामक अलग अलग पिंड बनाने के लिए संगणित हो जाता है। संरचना की तरह बिंदु को जीन कहा जाता है।
तीसरा गुण सूत्रों का धुंधला करने पर दो क्षेत्रों को वर्णक्षक सामग्री हेट्रोक्रोमैटिन अंधेरे और यूक्रोमैटिन प्रकाश में पहचाना जाता है। पांचवा हेटेरोक्रोमैटिन ने यूक्रोमैटिन की तुलना में अत्यधिक कुंडलित डीएनए और आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय है, जिसमें अत्यधिक अनचाही डीएनए और अधिक सक्रिय रूप से आनुवांशिक रूप से सक्रिय है। छठा, प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, सभी में 46 कुल 46 होते हैं। न्यूक्लियोलस, पहला फेलिस फोंटाना ने 1974 में न्यूक्लियोलस की खोज की। यह एक कोशिका के केंद्रक पाया जाने वाला कोकून है। कितना बचा हुआ है अभी? कल करते हैं, कल करते हैं इसके, थोड़ा थोड़ा बांट लीजिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 10 बज गया ऑलमोस्ट, सब कुछ लोग चले भी गए हैं भाग के। चलिए थोड़ा सा 10 स्पीड में हम 10 मिनट पढ़ लेते हैं, तेज करेंगे, ठीक है, करें आगे की या फिर जाना है? यस नो में भी आगे करें, कोई बताइएगा ये।